केपी बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त, पीटीआई को मोरसी सियासत ले डूबी। वफाकी और सूबाई वुजरा ने मंजूर नजर अफराद को टिकट दिलवाए। वजीर आला महमूद खान ने रिपोर्ट वजीर आजम इमरान खान को पेश कर दी। हुकूमत का तहकीकात का ऐलान, पार्टी पॉलिसी खिलाफ जाने वाले अरकानी असम्बली के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। शो कॉफ नोटिस जारी किए जाएंगे। दूसरे मरहले के इंतखाबात के हिकमत अमली बनाने की हिदायत। इन्होंने थोड़ा सा हाथ पीछे किया तो खैबर पख्तूनख्वा का नतीजा देख लिया। मौलाना फजल रहमान कहते हैं पूरे मुल्क में अब यही नतीजे होंगे। पेशावर में एमएनए एमपीएस और ब्यूरोक्रेसी इनकी थी। नवाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान को जीत पर मुबारकबाद। जेयूआई सरबराह ने शुक्रिया अदा किया। केपी इलेक्शन महंगाई की वजह से हारे। दुनिया में जहां भी इलेक्शन हो रहे हैं वहां महंगाई शिकस्त की वजह है। असद उमर ने वजाहत कर दी, बोले मौशी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। शिकस्त में टिकट्स की तकसीम और दीगर अवामिल भी शामिल हैं। मुशावरत जारी है, जल्द फैसले होंगे। शेख रशीद ने कहा हारता वही है जो हार को तस्लीम करता है। इनसे मुल्क नहीं चल रहा, हम चला कर दिखाएंगे। पीपी ने हमेशा डिलीवर किया, उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही। आसिफ जरदारी कहते हैं कभी झूठे वादे नहीं किए, पहले काम किया फिर बात की। सिंध में मास्टर प्लान बनाएंगे। तिजारती खसारा रिकॉर्ड 5 अरब डॉलर से तजावुज करना मौशी तबाही की अलामत है। शहबाज शरीफ कहते हैं तिजारती खसारे में इजाफा मुल्की दरामदाद और बरामदाद में अदम तवाजुन का वाज़े सबूत है। आईसीसी टी20 और वनडे रैंकिंग में बाबर आजम खराज, दोनों फॉर्मेट में नंबर वन बल्लेबाज। मोहम्मद रिजवान मुख्तसर फॉर्मेट के तीसरे बेहतरीन बैट्समैन। शादाब खान का इब्तदाई 10 बॉलर्स में नवा नंबर। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में तीसरी पोजीशन की जंग, भारत ने पाकिस्तान को 3 के मुकाबले में 4 गोल से हराया। इवेंट के फाइनल में जापान और जुनूबी कोरिया का आमना सामना होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।